अव्यवस्था और अराजकता को जन्म नहीं देने दिया गया था। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा देने के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट को तत्कालीन सरकार को बैन कर तमाम प्रकार की कानूनी पाबंदी लगानी पड़ी थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई इस तस्वीर को देखा है। आगरा आज स्मार्ट सिटी के रूप में नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा, मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले 1 वर्ष के अंदर हम आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने जा रहे हैं। आगरा के वासियों को मिलने वाली मेट्रो की यह सुविधा आगरा को एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, आगरा के अंदर ही आप देखते थे, इससे पहले कोई कार्य होता था तो कार्य करने के पीछे की मंशा किस कदर होती थी। यहां पर म्यूजियम के कार्य के नाम पर जो तमाशा बनाया गया था, आज भी मानसिकता बदली नहीं, मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा था। हमने कहा भी आगरा को मुगल की नहीं बल्कि आगरा को छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता है और आगरा के इस म्यूजियम को भी हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर समर्पित किया है। भाइयों बहनों, आगरा किसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां के पॉल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां पर TTZ के दायरे में आगरा को लाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो भाइयों बहनों उन स्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि अब IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगेंगे उसमें आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र को हम प्राथमिकता देंगे। यहां उद्योग लगेंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा और उसके माध्यम से आगरा को एक बार फिर से आगे बढ़ने और यहां पर रोजगार के नई सुविधाओं को आगे बढ़ने की कार्रवाई को भी एक नया मंच मिलेगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार न केवल विकास के लिए बल्कि आम जन की सुविधा के लिए भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आगरा प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर नंबर 1 पर है। पहले क्या शहरी क्षेत्र में गरीबों को आवास मिल पाते थे? स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन भाइयों बहनों, अब PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को भी सुविधा मिल रही है। कोई सोचता था पहले कि गरीब को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिलेंगे, कोई सोचता था गरीब को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिलेंगे, कोई सोचता था गरीब को फ्री में शौचालय मिलेगा, कोई सोचता था कि विपत्ति के समय सरकार आपके साथ खड़ी होगी, जैसे कोविड कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों फ्री में हर गरीब को महीने में 2-2 बार राशन की सुविधा जो उस समय दी गई थी, यह सरकार की संवेदनशीलता को ही प्रमाणित करता है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज एयर कनेक्टिविटी यहां की हुई है, मैं भी आ रहा था। देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए आज आगरा से वायु की सेवा शुरू हो चुकी है। इसको और अच्छा बनाने की दिशा में प्रयास हम कर रहे हैं। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करके अविरल और निर्मल बनाने की कार्रवाई एक नए ओर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी, कभी ये कल्पना थी, आज ये साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सब संभव हो पाया है क्योंकि आगरा एक स्वच्छ शहर के रूप में, आगरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में, आगरा एक सुरक्षित सिटी के रूप में आज अपना स्थान प्राप्त किया। तो इसलिए क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के योजनाओं को डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ाया और स्थानीय निकाय की संस्थाएं जब उसमें योगदान देने लगती हैं, सकारात्मक भाव से कार्य करती हैं और प्रबुद्ध जन का सानिध्य इन पूरी योजनाओं को जब प्राप्त होता है, उनका समर्थन प्राप्त होता है,
तो भाइयों बहनों उसके परिणाम उसी रूप में सामने देखने को मिलते हैं जैसे आज आगरा के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और आगरा के इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए, ये लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हर उस नागरिक को जो पात्रता की श्रेणी में है, अभी उसे आवास नहीं मिला है, आवास सरकार उसको अवश्य उपलब्ध करवाएगी। हर उस व्यापारी को, हर उस नागरिक को जो व्यापार करना चाहता है सुख और शांतिपूर्ण माहौल में, लेकिन उसकी व्यवसाय की सुगमता में कुछ बैरियर थे, उन बैरियर्स को समाप्त करके व्यवसाय की सुगमता के लिए, जो बिजनेस को और भी आसान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपने मार्बल में और लेदर आइटम में अपना एक स्थान बनाया है, उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों हम सब विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़े। हमने 10 से 12 फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश को देश के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनना ही पड़ेगा, और इसके लिए हमने 5 वर्ष के अंदर जो मेहनत की, सुरक्षा का एक जो बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर दिया, आज आप देख रहे होंगे जो ये माफिया अपराधी पहले सत्ता के सागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का जीना हराम कर देते थे, आज इन माफिया और अपराधियों का, पेशेवर संगठित अपराधियों का हमारी पुलिस ने जीना हराम कर दिया है। अब ये मारे मारे फिर रहे हैं बहुत सारी जगह, तो अपने गलों में तख्ती लटका करके घूमते हैं और इस बात की गुहार करते हैं कि साहब अब हम ठेला लगा करके सब्जी बेच लेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे, जान बकस लो बस। और भाइयों बहनों मैं यही सुरक्षा की गारंटी देने के लिए आया हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर रैंकिंग के साथ उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया है, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दिया है। और मैं आगरा के सभी उद्यमियों से, व्यापारियों से और प्रभुत्व जगत से ही मैं इस बात को कहने के लिए आया हूं, अधिक से अधिक निवेश को हम आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र में करने के लिए लोगों को तैयार करें। सरकार उन्हें अब तो एक पोर्टल के माध्यम से न केवल बिजनेस की सुगमता के लिए बल्कि बिजनेस से, शासन से मिलने वाले इंसेंटिव भी हम अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उसको करने जा रहे हैं। उसके साथ जो भी जुड़ेगा उसका लाभ उसको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, हम सब इसका लाभ ले सकेंगे इस विश्वास के साथ। ये जितनी भी योजनाएं आज शासन की चल रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, आम नागरिक के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए, इन सभी को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब सभी संस्थाएं मिलकर के कार्य करेंगी। डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड के साथ कार्य कर रही है, स्थानीय निकाय की संस्थाएं जिस मजबूती के साथ जुड़ करके उस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, आपने उसका एक उदाहरण या मंच पे देखा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त करने वाले लाभार्थी से मैं पूछ रहा था आपको पूरा पैसा मिला, उसने कहा साहब पैसा पूरा मिला है। मैंने कहा भी पैसा किसी ने मांगा तो नहीं, उसने कहा साहब मांगेगा कैसे, पैसा तो मेरे खाते में जाता है, इसलिए बीच में मीडिएटर जो पहले होते थे सब समाप्त। पीएम स्वनिधि वालों का भी यही था, वे ठेला खोमचा लगाने वालों को कौन पूछता था, ये तो सुनने को मिलता था कि ठेला लगाने वालों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, नगर निकाय के लोग प्रताड़ित करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों उनके लिए भी कोई स्कीम बन सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम स्वनिधि दी, डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ेंगे, ब्याज फ्री लोन की सुविधा उनको, और वे व्यवसाय आराम से अपना कर सकते हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके साथ करनी प्रारंभ की। भाइयों बहनों कोई सोचता था कि ये सुविधाएं मिलेंगी गरीबों को, आगरा में एयर कनेक्टिविटी होगी कोई सोचता था, आगरा में मेट्रो आएगी,
आगरा में शुद्ध गंगा जल लोगों को पीने के लिए मिलेगा और आगरा विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह विकास की प्रक्रिया और बुलेट स्पीड से बढ़ने वाली विकास की रफ्तार को थमने नहीं देना है, उसमें किसी प्रकार के बैरियर को नहीं आने देना है। इस संकल्प के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। विगत विधानसभा के चुनाव में आपने आगरा में बम्पर वोटिंग बीजेपी के पक्ष में की और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजा, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 1 बजे से आप यहां बैठे हुए हैं। मुझे आज थोड़ा मैनपुरी जाना था, मैनपुरी से मैं आने में मुझे लेट हुई, लेकिन अब सबके बावजूद जिस धैर्य के साथ आप बैठे रहे उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए इन सभी 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आप पूरे आगरा वासियों को हृदय से बधाई और आप सबके प्रति अपनी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।